दोस्तों ये है Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस फोन के लिए कैमरा ग्लास प्रोटेक्टर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो इस फोन का कैमरा मॉड्यूल है काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो ये रिंग बनी हुई है भी काफ़ी बाहर की तरफ है। आप कह सकते हो कि डबल कैमरा बम्प इस फोन में आता है तो ईजिली स्क्रैचेबल है, इस पर स्क्रैचेज आ सकती हैं। कुछ भी ऐसी क्रोच करने लायक इस पर चीज़ लग गई तो इस पर ईजिली स्क्रैचेज आ जाती हैं, क्योंकि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उन्हीं पर स्क्रैचेज आती हैं, तो उन्हीं के लिए कैमरा ग्लास प्रोटेक्टर बाय किए जाते हैं। तो ये तो उससे काफ़ी सस्ता फ़ोन है। तो दोस्तों ये है कैमरा ग्लास प्रोटेक्टर और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ब्लेड से भी इसको कट करने की कोशिश करोगे, स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो इस पर स्क्रैचेज नहीं आती हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रैच इसके ऊपर नहीं है, और हो सकता है कि कभी कभार इसके ऊपर स्क्रैचेज आ जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फ़ोन के इस कैमरा मॉड्यूल को चेंज करवाना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो अच्छा है कि इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टर लगाया जाए। सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलती है हमें इसका यूज़ करना है, वेट वाइप का हम यूज़ करेंगे। वेट वाइप की मदद से जो भी डस्ट है उसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, जो तीनों कैमरा की रिंग है इसको भी क्लीन कर लेना है, और जो ये वाला पार्ट है इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे कैमरा ग्लास के नीचे ना चिपके। अब जो लिक्विड इसके ऊपर लग गया है इसको हम क्लीन करेंगे ड्राई वाइप से। लिक्विड को दोस्तों आपने बिल्कुल सुखा लेना है, नहीं तो जो नीचे की गम है कैमरा ग्लास प्रोटेक्टर की ये उसको खराब कर देगा। अब ये बिल्कुल कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचना है और इसको उतार लेना है, और फोन को लेकर सिंपली ऐसे इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए बिल्कुल इतना आसान है इसको लगाना। ये देखिए बिल्कुल लग चुका है। अगर आपको ये लगता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो दोबारा से आप इसको ऐसे उठा भी सकते हैं और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, और कई लोग पूछते हैं कि इसको निकालना कैसे, थोड़ा देखो एक साइड से आपने इसको ऐसे जोर देना है, ये निकल जाता है। और ये देखो अभी थोड़ा चिपक गया है, ये देखिए मैं दोबारा से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए हो गया एडजस्ट, और इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छा लगे। अगर आपको अपने फ़ोन को ऐसे रखने की आदत है टेबल के ऊपर तो कैमरा रिंग पर इजीली स्क्रैचेज आ जाते हैं, आपको ही पता है, बट इसको लगाने के बाद आपका कैमरा बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और एक दो फोटो भी खींच कर देख लेते हैं कैसी आती हैं। ये देखिए और ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, तो कैमरा क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दिया जहां से मैंने इसको बाय किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।